नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार बांगा, आपका इंटीरियर कंसल्टेंट, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल 3D Imaginations। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉशरूम डिजाइनिंग के ऊपर, बाथरूम के डिजाइन के ऊपर, कि बाथरूम जो डिजाइन हम लोग करते हैं तो हम लोग किस तरह से अपने क्लाइंट्स को डेडिकेटेडली बाथरूम्स के डिजाइन पर हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारे क्लाइंट हैं बाजपुर में मिस्टर भरत गोयल जी, और उनके दो वॉशरूम्स हम लोगों ने डिजाइन किए हैं। उन वॉशरूम्स की एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन थी उसकी वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एग्जिस्टिंग वॉशरूम की वीडियो है। बाथरूम की जो सिचुएशन थी एक्चुअली ये वो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब हम टाइल पसंद करने गए, सैनिटरी फिटिंग्स, सेफ्टी फिटिंग्स पसंद करने के लिए जब हम क्लाइंट के साथ शोरूम पर गए, तो उस टाइम पर टाइल्स को चूज़ करने में क्लाइंट्स को बहुत प्रॉब्लम आई। क्लाइंट को प्रॉब्लम नेचुरली आती है बिकॉज आप एक पीस टाइल से आप विजुलाइज नहीं कर पाते हो कि आपको वॉशरूम आपका कैसा लगेगा। शोरूम्स पे जनरली दो या चार पीस लगा करके या छः पीस लगा करके आपको विजुलाइज कराने की कोशिश की जाती है, बट कभी कभी आपको जो टाइल्स डिज़ाइन करते समय कंसेप्ट प्लानिंग करनी होती है कि जैसे आपको कुछ क्रिएटिव अलग प्लान करना है कि सिंगल सिंगल पीस को जोड़ के। अब हम डिज़ाइनर्स हैं, हमने तो विजुलाइज कर लिया कि वो कैसा लगेगा, लेकिन क्लाइंट विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने फ्रेंड्स बहुत अमेजिंग एक फैसिलिटी रखी। हमने अपने टैब पे वहाँ पर स्क्रीन ऑन करी और अपने ऑफिस से एनी डेस्क सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लाइंट्स के सपोर्ट में हम लोगों ने एनी डेस्क सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट हम लोगों ने स्केचअप को कनेक्ट किया, जो सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोगों ने 3D में प्रेजेंटेशन क्लाइंट की दी। तो हम शोरूम पर ही बैठे थे और शोरूम पर बैठे बैठे जो टाइल्स हम पसंद कर रहे थे उसकी पिक्चर्स हम सीधा ऑफिस में शेयर कर रहे थे। हमारे डिज़ाइनर आर्किटेक्ट सिमरन अरोरा वो इसको डिज़ाइन कर रही थी मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग, और वो उसके अंदर आप देख सकते हैं वीडियो में फ्रेंड्स, जो ये आप वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, ये स्केचअप में फ्रेंड्स ये वीडियो चल रही है और क्लाइंट ऑनलाइन देख रहे हैं शोरूम पर बैठ कर कि उनका वॉशरूम कैसा बन रहा है। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने उस समय करी थी जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये मेरे टैबलेट पे शोरूम पर बैठकर हम देख रहे हैं। और जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, टाइल्स के फोटोग्राफ खींच के मैं अपने टीम को भेज रहा हूँ, टीम मेरी उसको अलाइन कर रही है मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टाइल चेंजेस हो रहे हैं, ये हम डिज़ाइन को अप डाउन प्लस माइनस करके हर तरह से क्लाइंट को सेटिस्फाइड हमने वहीं कर दिया कि ऐसा लाइक वॉशरूम बनकर आएगा, और क्लाइंट सेटिस्फाइड थे। यहाँ तो हम लोगों ने फ्रेंड्स मॉडल में हम लोगों ने स्केच में मेकअप कर दिया उनका माइंड, देन इसके बाद हम लोगों ने उसको रेंडर भी किया, 3D में प्रॉपर रेंडर्ड इमेज दी। अब जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए स्क्रीन पर, ये है रेंडर्ड इमेज। इस तरह से कलर फोटोग्राफ पूरा उनका रेंडर करके हम लोगों ने दिया। जो सॉफ्टवेयर है वो 3DS Max सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं रेंडरिंग के लिए, तो ये वॉशरूम हमने रेंडर करके उनको दे दिया। और अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये वॉशरूम हमने बनाने के बाद कैसा लगा, और वॉशरूम एग्जैक्टली हमने बिल्कुल एक्यूरेटली हम लोगों ने वैसे ही एग्जीक्यूट कराया है। तो अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि वॉशरूम बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वॉशरूम कितना अमेजिंग निकल करके आया है, और एग्जैक्टली बिल्कुल जैसा दिखाया था वैसा ही करा, और क्लाइंट बिल्कुल सेटिस्फाइड थे डिज़ाइन को लेकर के, बहुत खुश थे, और हम लोगों ने भी अपना जो है कि अपना बेस्ट दिया, और वॉशरूम ईश्वर की कृपा से बहुत बेस्ट निकल करके भी आया, अच्छे निकल के आए डिज़ाइंस। तो ये तो फ्रेंड्स देखिए, आप कॉमन टॉयलेट देख रहे हैं। इस वीडियो में आगे में जो आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिखा रहा हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं कि सेम यही प्रोसेस थी एग्जिस्टिंग। फिर हमने 3D कैसे वहाँ पर स्केच किया, वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ कॉमन टॉयलेट का स्केच किया था बेसिकली, और 3D रेंडर्ड इमेज में डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ कि हमने डायरेक्ट 3D रेंडर इमेज दिखाई मास्टर बेडरूम के वॉशरूम की, और देन फिर उसके बाद एग्जैक्टली आप वीडियो भी देख रहे हैं, ये हम लोगों ने फ्रेंड्स अपना एग्जैक्टली वैसा ही बना करके दिया जैसा रेंडर्ड इमेज थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो आप एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, कमेंट प्लीज करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे आप किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो मैं उस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा, इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव।
और फ्रेंड्स अगर प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिगार्ड होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं टाइम टाइम पर आपके लिए इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर के आता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, बाय।